श्री कृष्ण कहते हैं, अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म के समानता हो। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हम से कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारे क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कन्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, या उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी का बुरा करना नहीं चाहिए क्योंकि यह हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते हैं, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने बच्चों भक्तों पे हर घड़ी नज़र रखते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चात न करके भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि अपने अनुभव से होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता है, और मौन रख कर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का है होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता का पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आए। जब प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु के कृपा